6 o'clock in the morning. I am Sanjeev and you are watching Digital Sanjeev. Today I am going to share with you a journey from Kolkata to Bolpur Shantiniketan by car. So let's enjoy our journey. हम लोग निकल पड़े हैं बोलपुर शांति निकेतन की ओर, तो हमारे साथ आप लोग भी चलिए, ये जानी का मजा लीजिए। ये देखिए मेरा टीम भी मेरे साथ है, ये है राहुल और ये है सौरभ और ये है विजय शर्मा, नमस्कार। और ये है फ्रंट सीट पे बैठे हुए, हेलो आई एम पातू मंडल। तो फ्रेंड्स ये है मेरा टीम आज का, तो चलिए बोलपुर शांति निकेतन। शांति निकेतन इज अ नेबरहुड ऑफ बोलपुर सिटी इन बोलपुर सब डिविजन ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, अप्रोक्सीमेटली 152 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कोलकाता and 3 km north from Bolpur station. It was established by Maharshi Devendranath Tagore, later expanded by his son Rabindranath Tagore. अभी हम लोग डानकोनी टोल प्लाजा पर हैं। यहाँ पे हम लोगों को 85 रुपीस का टोल देना पड़ा, ये पहला टोल है, और एक भी मिलेगा पाल सीट पर। ये देखिए रास्ते में बहुत फॉग है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। रास्ता एकदम स्मूथ है कोई भी गाड़ी ड्राइव करने के लिए।
अभी सिंगुट छोड़ के जा रहे हैं 7:30 इन द मॉर्निंग। सर्दी की इस मौसम में आप लोग भी हम लोगों की तरह एंजॉय कर सकेंगे ऐसा टूर में। हम लोग अभी सत्तीगढ़ के नजदीक हैं। 10-15 मिनट के बाद हम लोग सत्तीगढ़ उतरेंगे काला ब्रेक लेने के लिए। वहां जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोग अभी पाल सीट पर हूँ और यहाँ भी हम लोगों को 85 रुपीस का टोल देना पड़ा। सत्तीगढ़ पहुँचे हैं और थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोगों के साथ कोई भी स्वीट के शॉप में। सत्तीगढ़ में आके हम लोग ब्रेकफास्ट में लिए थे गरम गरम कचौड़ी और लैंगचा, जो यहाँ का सभी दुकान में आपको मिलेगा। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। शक्तिगढ़ में आके आप लोग ये लैंगचा जरूर टेस्ट कीजिएगा, एक से बढ़कर एक दुकान आपको दिखाई देगा यहाँ पर। अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम निकलेंगे बोलपुर की ओर। अभी हम लोग नौहट की मोड़ पर आ गए हैं। सामने से हम लोग राइट टर्न लेंगे, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके हम लोग जाएंगे बोलपुर की तरफ। सामने से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेके हम लोग बोलपुर की ओर जाएंगे। सीधा देखिए बर्धवान की बोर्ड है और दाहिना तरफ अगर आप मुड़िएगा तो कोलकाता जा सकेंगे। Thank you.
तरफ देखिए दामोदर रिवर, हम लोग अभी बोलपुर के अंदर हैं, यानी बोलपुर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर हैं, और यहाँ आके हम लोगों को 20 रुपया टोल देना पड़ा। हम लोग शांति निकेतन रीच कर गए हैं। शांति निकेतन में आके पहले आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हैंडक्राफ्टेड सामान की दुकान। अगर आप चाहे तो कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम लोग अभी एक टोटो लेके निकल पड़े हैं विश्व भारती का जो कैंपस है उसको टूर करने में। ये है योगासन केंद्र और ध्यान केंद्र, ये है स्टाफ क्वार्टर, ये है हॉस्टल, ये देखिए यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड। इसी मैदान पर बसंत उत्सव में होली खेले जाते हैं। यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसको पहचानिए, इसका नाम है तीन पहाड़। ये है वो पेड़ जिसको सहज पाठ किताब का कवर पेज में देखने को मिलता है, इसको तीन पहाड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। गाइस ये देखिए उपासना गृह यानी प्रेयर हॉल, दिस प्रेयर हॉल इज ऑफ स्टेन ग्लासेस। यहाँ पर हर बुधवार को यानी वेडनेसडे को प्रेयर होता है। दोस्तों ये है शांति निकेतन गृह, बिल्ड बाय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1863। इस नाम के अनुसार ये जगह का नाम भी शांति निकेतन रखा गया है। ये है छातिमतला, छातिमतला इज द प्लेस वेयर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यूज्ड टू टेक क्लासेस विद द स्टूडेंट्स ऑफ विश्व भारती। इन दोज डेज क्लासेस यूज्ड टू बी हेल्ड under the shade of chatim trees. The entry to the inside of the premises is restricted in order to safeguard the structure. Ye hai Kala Bhavan. Kala Bhavan is the Fine Arts Department of the Vishwa Bharati University, established by Rabindranath Tagore in the year 1919. Shanta family. The sculpture made of Kankar pebbles, sand, cement by sculptor Ramkinkar Bage. This is the house of Nobel laureate Amartya Sen. अब मैं कोपाई नदी के किनारे खड़ा हूँ, देखिए इसका व्यू।
कोपाई नदी, कवि गुरु का वो विख्यात कोपाई नदी जिसका नाम हम लोग बहुत सारे छोटे स्टोरीज, उपन्यास, पोएट्रीज में देखे हैं। यहाँ का शांत परिवेश आपको जरूर एक अलग सा फीलिंग देगा। तो आप भी जब शांतिनिकेतन आइएगा तो जरूर ये कोपाई नदी के पास आइएगा ये फील करने के लिए। अभी हम अब लोग देख रहे हैं कि हम सोनाझुरी फॉरेस्ट की अंदर हैं जहां पर हाट बैठते हैं हर सैटरडे। तो चलिए देखते हैं सोनाझुरी हाट। हम लोग अभी सोनाझुरी का जो हाट है उसका अंदर एंटर कर चुके हैं। दिस कलरफुल हाट इज 2.5 किलोमीटर फ्रॉम शांतिनिकेतन इनसाइड सोनाझुरी फॉरेस्ट। ये हाट हर सैटरडे को बैठता है। इस हाट को बहुत सारे नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि क्वाई हाट, क्योंकि ये एरिया का नाम भी क्वाई है। इसके अलावा शनिवार हाट, क्योंकि ये हाट हर सैटरडे यानी शनिचार में बैठते हैं। और एक नाम है इसका, वो है सोनाझुरी हाट, क्योंकि ये सोनाझुरी फॉरेस्ट के अंदर बैठते हैं। बोनस में आपको बाउल सॉन्ग्स सुनने को मिलेगा और अंत में आपको आदिवासी मादल डांस देखने को मिलेगा, जिसका मजा आप जरूर ले सकते हैं। नॉट ओनली दैट, यू कैन पार्टिसिपेट इन आदिवासी डांस विद देम। जर्नी यही पे खत्म हुआ, तो चलते हैं घर वापस। टाटा।